नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के सुभाष कॉलोनी में, जहां पर हम आपको बता दें सुभाष गेट में, जहां पर ये हैरान कर देने वाली खबर जरूर है, क्योंकि आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं कि करनाल में एक सुभाष गेट इलाका पड़ता है मीरा घाटी चौक के नज़दीक, जहां पर एक कबाड़ी की दुकान का 71 लाख रुपये का बिजली का बिल आया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दुकानदार सख्ते में है कि आखिरकार उनकी दुकान में ना तो कोई एसी है ना ही कोई कूलर है, और आप दुकान देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि किस तरीके से 5000 तक का माल नहीं है, और सिर्फ एक छोटा पंखा और एक बल्ब ही सिर्फ और ट्यूब है, उसके बावजूद यहां पर 71 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है, जिसे देकर जो दुकान के मालिक है वो सख्ते में है। और किस तरह से आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि बिजली डिपार्टमेंट में एक बार हुआ है लेकिन वह सुनते नहीं है, उनका कहना है आ जाना कल आना, उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जो दुकान के मालिक है, जिनकी एक कबाड़ी की दुकान है, वह हैरान है कि 71 लाख रुपये का बिजली का बिल उनका आया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 71 लाख से भी ऊपर है। आप ये कुल अमाउंट देख सकते हैं कि 71 लाख 64 हज़ार 892 रुपये 71 लाख 64 हज़ार 892 रुपये बिजली का बिल आया है, और हैरान है दुकानदार। आप बताएं सर, जब आपको ये बिजली का बिल आया तो आपने क्या सोचा 71 लाख रुपये बिजली का बिल? ये तो शुक्र है जी, मुझे पहले कोई अटैक नहीं हुआ हुआ। अगर पहले कोई अटैक हुआ होता तो ये बिल देख कर तो मेरी तो जान को खतरा था। ये बिल पहले भी गिर जाते हैं, मुझे कोई बिल नहीं मिलता। ये वैसे ही बाहर शटर नीचे गिर जाते हैं, आज तक तो मुझे कोई पहले बिल नहीं मिला। और ये जो बिल इन्होंने भेजा है अपनी, जब मैं जाता हूँ बाद कोई सुनवाई नहीं है। कितने का बिल आया आपका? 71 लाख 64 हज़ार 892। तो आपने इतनी बिजली इस्तेमाल की है? आज तक मेरी दुकान में एक सिर्फ पंखा और एक बल्ब ट्यूब है। किसी की दुकान है? कबाड़ी की दुकान है सुभाष गेट के सामने। 5000 का माल नहीं है मेरी दुकान के अंदर, आगे चेक कर सकते हो। तो आपको परेशानी हुई? परेशानी बहुत नहीं आ रही जबकि ये बिल आया है। सब घर के परेशानी हुई है। करते हैं बात नहीं सुनते पीछे। मैंने अब मेरा दोस्त है वो कहना मेरा लगे एक्सीडेंट, कोई बात नहीं, कोई सुनाई नहीं है। 71 लाख रुपए अगर नहीं भरे आपने तो फांसी लेनी पड़ेगी, और क्या कौन करेंगे जी। 71 लाख की तो मेरी 40 लाख की दुकान नहीं है। अगर मैं दुकान में बेचूँ तो तब भी बिजली का बिल पूरा नहीं होता। तो लगता है कहीं गलती से आया होगा ये क्या पता उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया जी। अटैक की तो बीमारी हो सकती है भाई जी। ये तो शुक्र है पहले अटैक हुआ नहीं हुआ, कहीं हुआ होता दूसरा अटैक तो हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें करनाल के सुभाष गेट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक, आपका नाम क्या है भाजी? सुभाष चंद जी। सुभाष चंद जी हैं जो कबाड़ी की जिनकी दुकान है, और इनका कहना है कि 5000 का इनकी दुकान में सामान नहीं है लेकिन 71 लाख रुपए से ऊपर जो है इनका बिजली का बिल आ गया है, जिसको लेकर ये हैरान है। इनका कहना है कि वह हृदय गति के मरीज नहीं है, हार्ट के मरीज नहीं है। अगर हार्ट के मरीज होते तो उनको हार्ट अटैक भी आ सकता था, कुछ और उनके साथी हैं। आप बताएं सर, 71 लाख का आपके पड़ोसियों का बिल आया है, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल झटका है जी, बिल्कुल ही बिल्कुल झटका लगता है जी, यही बात हो जाए। तो बिजली डिपार्टमेंट गए, रास्ता नहीं, बिजली डिपार्टमेंट को कोई रास्ता नहीं दे रहे जी। हम गए थे कोई बात सुनता नहीं है, कोई यही बात हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे? ये भाई देखो, इंक्वायरी करनी चाहिए जी बिजली बोर्ड वाले के ऊपर जी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि करनाल का सुभाष गेट इलाका, और आपने देखा कि एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर 5000 का सामान नहीं है, सिर्फ एक छोटा बल्ब और एक छोटे ही पंखा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इनका दुकानदार का 71 लाख रुपये का बिल आया। उनके कुछ पड़ोसी हैं जो हैरान है, और जिस तरह से दुकानदार ने बताया कि कल रात से वह सो नहीं पा रहे हैं जब से इनके पास बिजली का बिल आया, और बिजली दफ्तर यह होकर आए हैं वह रास्ता ही नहीं देते हैं, वो कहते हैं कल आना परसों आना। किस तरह से दुकानदार परेशान है, और किस तरह से आप बताना चाहेंगे जो आपके पड़ोसी दुकानदार है, उनकी महज एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान है, 71 लाख रुपये का इतना भारी भरकम बिल आया है, तो वह परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? ये सुभाष अंकल जी हमारे पड़ोस में हैं, और एक महीने में 20 दिन तो इनकी दुकान ही बंद रहती है, 10 दिन ही ये यहाँ आते हैं। और इनका बिल जब इन्होंने मेरे को बताया भाई 71 लाख रुपये कुछ 64 हज़ार का बिल आया है, तो हम हैरान रह गए। ये हार्ट के पेशेंट है, अगर इनको देखते जा रहे हैं ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाए, और इन्होंने चक्कर वहाँ लगाए हैं। वो कहते हैं हमने मेल डाल दी है, 2-3 दिन के बाद वो कर दिया है, मेल डाल दिया है भाई मिस प्रिंट हो गया, ये हो गया जी। तकरीबन मोहल्ले में सुभाष गेट में सैकड़ों लोगों के बिल ऐसे हैं जो लाखों में आए हैं, और ये तो बहुत कमजोर दिल के हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी कमल मीडा ने बताया कि किस तरह से यहाँ एक कबाड़ी की दुकान पर 71 लाख का बिल आया है, यह बिजली विभाग की एक बड़ी नाकामयाबी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि बिजली विभाग में जितने भी लोग अपनी कोई भी शिकायतें लेकर जाते हैं वो सभी दुखी रहते हैं। उनका कहना होता है कि उनकी कोई भी शिकायत सुनने वाला नहीं होता। हालांकि कई बार देखा जाता है कि बिजली विभाग में
हालांकि टाइम 10 बजे का होता है लेकिन कर्मचारी कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है यही कहा जाता है कि आज सर्वर डाउन है, कल देखेंगे, कल चेक करेंगे। अगर इस तरह से कई बार कई लोगों के बिल आ चुके हैं जिसको लेकर वो दुकान का हो या किसी मकान का बिल हो उसको लेकर विभाग में जाते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि चेक करवाया जाएगा, ऊपर से चेक करवाएंगे, और लोग इसी से परेशान होकर धक्के खाते रहते हैं, कुछ लोग भरने को मजबूर होते हैं। दुकान के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे दोबारा से जानते हैं। सर, आप कभी दोबारा गए पहले ऐसा, आपका कितना बिल आता था पहले? मेरा बिल जी 500 के करीब आता था जी। तो आपने किसी कर्मचारी से बात की है? मैं कई दफ़ा पहले गया हूँ जी, मुझे बिल यहाँ नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा जी हम गए रहे हैं बिल। अब मेरी दुकान दोपहर को मैं 1:30 बजे बंद कर देता हूँ जी, शाम को 5:30 बजे आता हूँ। अब आप हिसाब लगाओ भी इतने टाइम बंद रखने के बाद भी इतना बिल आए। दुकान पे सिर्फ एक पंखा, एक ट्यूब। और बिजली दफ्तर आप गए इस बारे में बात करने? जाओ जी, मैं सुनते नहीं, वहाँ कोई सुना ही नहीं है। तो ये बिल आपका, आपको कितने टाइम बाद मिला ये बिल? ये मेरे को बिल परसों मिला है जी। नहीं, कितने टाइम बाद? पहले आपने कब भरा था बिल? पहले मैंने, मेरा बिल रुका हुआ है, इनके बिल आते हैं ना जी, मुझे बिल मिले नहीं, कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी किसी को दे जाते हैं, मुझे आज तक बिल नहीं मिला। तो पिछले कितने महीने का हो सकता है ये? ज़्यादा ज़्यादा 8-9 हज़ार का बिल है जी पिछला मेरा, इससे ऊपर नहीं है। जैसा कि दुकान मालिक ने बताया कि उनका बिल लगभग कुछ महीनों से उन्होंने बिल रोका हुआ था, कि उनका कहना है कि उनको सही समय पर बिल भी नहीं दिए जाते। यह भी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जैसे कि दुकान बंद होती है, शटर के नीचे से बिल को बाहर डाल दिया जाता है, और उसके बाद ना तो मालिक को बिल मिल पाता है, और उसके बाद अगर यह भी लगाया जाए कि 9 से 10 महीने का बिल अगर इतना आ सकता है, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्यूब और पंखे का बिल 71 लाख हो सकता है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कबाड़ी की दुकान में यह बिल आया है। और इस खबर को आगे मेरी सहयोगी रूसी चावला। तो जैसा कि आपने देखा तस्वीरों में, महज ये एक कबाड़ी की दुकान जिसमें सिर्फ एक बल्ब, एक ट्यूब और एक पंखा है, जिसका बिल जो दुकान के यहाँ पर मालिक है उनका ये कहना है कि 500 कुछ रुपए इनका बिल पहले आता था, लेकिन अब इनका बिल आया है 71 लाख रुपए। तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो सरासर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से कुछ लापरवाही है, जो इतना ज़्यादा बिल एक दुकान का, जो दुकान महज दिन में 3 घंटे खुलती है, जैसा कि इनका कहना था कि ये बहुत कम घंटे के लिए दुकान खोलते हैं, उसका बिल अगर 71 लाख कुछ रुपये आता है, तो ये तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही है। जैसा कि आप इसमें बिल में भी देख सकते हैं, ये 71,64,892 रुपीज़, जो ये 71 लाख कुछ रुपये का बिल आया है सिर्फ एक कबाड़ी की दुकान का, जहां पर सिर्फ एक महज पंखा है और एक ट्यूब है जो चलती है दिन में, फिर भी इतना ज्यादा बिल। तो कहीं ना कहीं ये, अगर जैसा कि दुकानदार का कहना है कि अगर हार्ट के पेशेंट होते तो उन्हें खुद को भी अटैक आ सकता था ये चीज पढ़कर, कोई भी इंसान इतनी आसानी से ये बात नहीं सहन कर सकता, इतना ज्यादा बिल आए उनकी किसी दुकान का, जो इतना शायद खुलती भी नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ के पड़ोसियों से बात करी, उनका भी ये कहना था कि ये दुकान महज महीने में 20 दिन बंद रहती है, कुछ 10 दिन खुलती है, तो इतना ज़्यादा बिल कैसे आ सकता है? यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग आई है, हम उनसे जानते हैं। सर, इतना ज़्यादा बिल आया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मामले में तो झटका मालिक को ही लग सकता है जी, मरिए जाए कुछ भी, झटका तो झटका ही होता है जी, कुछ भी हो सकता है बस। सर, ये कितने घंटे वैसे दुकान खुलती है? सिर्फ एक, ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ 3 घंटे। और कितने दिन, या 10 दिन बंद भी रहते हैं, 20 दिन भी बंद रहते हैं जी, कहीं बंदा झटका दे जाए देखो याद रखना, एक तो बंद होते हैं बस। तो जैसा कि आपने देखा कि महज दिन में 3-4 घंटे खुलने वाली दुकान, जो कि महीने में कुछ दिन बंद भी रहती है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल आया है, तो आखिर क्यों ऐसा? जैसा कि इनका कहना है कि अगर ये जाकर बिजली विभाग में बात भी करते हैं तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, इनको टाल दिया जाता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, कुछ इन्हें ढंग से जवाब नहीं दिया जाता, कुछ इन्हें रीज़न नहीं दिया जाता। अगर इनका बिल, जैसा कि इनका कहना है कि अगर कुछ महीनों से बिल नहीं दिया तो भी शायद 8-9 हज़ार बिल बनना चाहिए, लेकिन 71 लाख रुपये बिल बनना बहुत ही बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिर इतना बिल कैसे बन सकता है किसी ऐसी दुकान का, जहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक पंखा और एक ट्यूब, जैसा कि आप इस समय देख भी सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का बिल आखिर 71 लाख आ कैसे सकता है? तो बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की तरफ से भी, ये उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि आखिर इतना बिल कैसे आ सकता है इस दुकान का, यहाँ पर जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। तो इस समय आप बिल की नज़दीक से तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको क्लोज कर बिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। संतलाल का ये बिल है और ये आप देख सकते हैं कि कितने यूनिट चले हैं और कितना इन्होंने अमाउंट लगाया हुआ है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से, एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं,
कि डिजिटल बनिए, ऑनलाइन बनिए, और किस तरह से आपने देखा कि इतनी बड़ी गलतियां बिजली विभाग की तरफ से की जाती है, और जैसा कि दुकानदार का कहना है कि वह कमजोर दिल के नहीं है, अगर कमजोर दिल के उनको पहले अटैक आया होता तो किस तरह से 71 लाख रुपए का बिल देखकर उनकी तबीयत खराब हो जाती। हालांकि उनका कहना है कि 2 दिन से बिजली का बिल उनके पास आया है, तब से उनकी तबीयत खराब है, कल रात से उनको नींद नहीं आ पा रही है, क्योंकि बिजली दफ्तर में एक बार होकर आए हैं, वह रास्ता नहीं देते हैं, वो कहते हैं कल आना परसों आना। तो कितनी बड़ी लापरवाही करनाल के बिजली डिपार्टमेंट की देखने को मिली है, जहां पर एक छोटी सी एक दुकान है, कबाड़ी की दुकान, जहां पर 71 लाख रुपए का, 71 लाख से भी ऊपर का जो है बिजली का बिल आया, जो कई तरह के सवालिया निशान बिजली विभाग पर जरूर खड़ा करता है। आप देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकानदार हैं, वो लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि 71 लाख रुपए जो बिजली का बिल आया है, उसे देखकर हर कोई सकते में है। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, 71 लाख रुपए का बिल आया है आपके पड़ोसी का, क्या लगता है आपको? हाँ जी, इनका 71 लाख रुपए का बिल आया मेरे पड़ोस में है, और एक महीने में इनकी 10 दिन ही दुकान खुलती है और 20 दिन बंद रहती है, क्योंकि ये बाहर रहते हैं अपने सेल परचेज के चक्कर में। तो जब से इन्होंने बिल देखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हम इनको समझा रहे हैं, और ये वहाँ अपने बिजली विभाग में गए थे, इनको मारा नहीं दिया, वो कहते हमने मेल भेज दिया, ये है वो है, तो 2-3 दिन से इनको टाल रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट वाले रास्ता नहीं दे रहे। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं कि 71 लाख रुपए का बिजली का बिल अपने आप में बड़ी बात है, और आप दुकान देख सकते हैं कि महज एक छोटी सी दुकान है जिसमें रंग रोगन भी नहीं है, और उसके बावजूद 71 लाख रुपए बिजली का बिल आया, जिसके बाद दुकानदार सख्ते में जरूर है। ये तस्वीरें आप करनाल की देख रहे हैं, CMCD करनाल के सुभाष गेट नज़दीक मीराघाटी चौकी, जहाँ पर हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग की जो इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, वह हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दुकानदार का बिल आया है। थोड़े दिन पहले भी हमें एक परिवार का फ़ोन आया था कि उनका भी जो है 20-25 लाख रुपये का बिल आया हुआ था, और इनका 71 लाख, करीब 1.25 करोड़ रुपये एक कबाड़ी की दुकान का बिल आया है, जिसे देखकर दुकानदार 2 दिन से परेशान है। उसका कहना है कि उसको नींद नहीं आ पा रही है, वह परेशान है 71 लाख रुपए का बिजली का बिल देखकर। उसका कहना है कि उसकी दुकान पर सिर्फ एक ट्यूब और एक बिजली का पंखा लगा हुआ है, और छोटी सी दुकान, आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुकानदार, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका कहना है कि 5,000 रुपये तक का सामान उनकी दुकान पर सिर्फ पड़ा है, और उसके बाद बिजली विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी गलती हुई है कि 71 लाख रुपये का बिजली का बिल बनाकर भेज दिया है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। आप तस्वीरें इस समय करनाल के बिजली डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान, जिस पर 5,000 तक का सामान और बिजली का बिल 71 लाख रुपए बिजली का बिल आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही बिजली डिपार्टमेंट की देखने को मिली है, और दुकानदार कहीं ना कहीं सख्ते में है, टेंशन में है कि आखिरकार उनका बिजली का बिल कैसे आ गया। सर, आप अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजली विभाग के अधिकारियों तक, अगर आप हम खबर पहुंचाते हैं तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कैसे आपको बिल मिला और कितना बिल पहुंचा, और पहली बार आपने देखा तो कैसा आपको लगा? जी ऐसे है, पहली दफ़ा जब मैंने बिल को देखा तो मुझे कुछ होने लग गया, लेकिन इनकी लापरवाही के होते हुए अगर मुझे कहीं पहले अटैक हुआ होता तो ये दूसरा बिल देख के तो मेरी तो जान को खतरा था, मेरे मतलब घर का गुजारा भी मुश्किल है, 5,000 का मेरी दुकान में माल नहीं है, और 71,66,892 का इन्होंने। हाँ, मैं कहना चाहूँगा जी, इनको या तो कुछ ना कुछ, मैं तो ये बिल भरने का भी नहीं, बिल्कुल जो पिछला भी है तब भी नहीं भरने का मैं तो। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी, 71 लाख रुपए आपकी दुकान का कहाँ से भरेंगे, इतनी मजबूरी, अब काम तो चल नहीं रहा था, कैसे रोटी गुजारा मुश्किल है, तो कैसे चलाएंगे, आप देख ही रहे दुकान की हालत क्या है, कहाँ से भरेंगे बिल। तो क्या कहना चाहेंगे कि कहीं गलती हुई है बिजली विभाग से बहुत बड़ी? हाँ, वो अपना ठीक करे अपना, जैसे अपना करे, ऐसे कैसे बैठा रखे बिजली बोर्ड वाले, जैसे कंप्यूटर पे जो चलाना भी नहीं आता तो ऐसे बिठा रखे बंदे, लेकिन रास्ता नहीं दे रहे कोई, फिर कितने परेशान हुए जब आपने बिजली का बिल देखा? परेशान तो है, परेशान से घर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ से भरेंगे 71 लाख रुपए बिल आया, कहाँ से भरेंगे अब गरीब आदमी। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें करनाल के सुभाष गेट कॉलोनी में एक परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि वह बड़ी मुश्किल से जो है अपने घर का खर्चा चला पाते हैं, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही उनके सामने है, एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान और 71 लाख रुपए का उनका बिजली का बिल आ गया है, जो कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। बिजली डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही, जहां एक तरफ
डिजिटल इंडिया का हम नारा देते हैं और डिजिटल इंडिया में इतनी बड़ी गलती हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दुकानदार का बिजली का बिल गलत आया हो, आसपास के कई दुकानदार हैं जिनका इसी तरह से कई लाखों रुपए जो है बिजली का बिल आया, जिसे देखकर हर कोई सख्ते में है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे करनाल और हरियाणा के तमाम लोगों से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक किस तरह से गरीब परिवार टेंशन में है, परेशानी में है, क्योंकि उनका 71 लाख रुपये बिजली का बिल आ गया है। और आप देख सकते हैं कि छोटी सी एक दुकान है कबाड़ी की, जिसमें एक बिजली का पंखा और एक बल्ब है, उसके बावजूद किस तरह से एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट की देखने को मिल रही है। तो हम चाहेंगे करनाल हरियाणा के तमाम लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे पास इनकी मार्केट के कुछ लोगों का फ़ोन आया था, दुकानदार का फ़ोन आया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनका कहना था कि उनका बिजली का बिल 71 लाख रुपये आया है, जिसके बाद जब बिजली डिपार्टमेंट में गए हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कह रहे हैं कि कल आना परसों आना। और दुकानदार और उनकी पत्नी देख सकते हैं आप किस तरह, मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, जो दुकानदार हैं वो खड़े हैं, उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, कितने परेशान ये लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों का अगर 71 लाख रुपये इस तरह से बड़ी भारी संख्या में बिल आ जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी बात नहीं होगी। ऐसा कई बार देखने को मिला है, एक तरफ डिजिटल इंडिया का हम नारा देते हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी लापरवाही बिजली डिपार्टमेंट की देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं करनाल के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये खबर जरूर पहुँचनी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।